हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SPC GCA। आज हम BSc पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित लेंथेनाइड्स का अध्ययन करेंगे। लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में होता है, लेकिन इसके बाद सीरियम से 5D2 विन्यास नहीं होता, वरन 4F2 5D0 6S2 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 58 यानी सीरियम में आते ही 4F कक्षक की ऊर्जा 5D कक्षक से कम हो जाती है, जिससे 4F में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। तो सीरियम के बाद ल्यूटेशियम तक लेंथेनाइड्स की श्रेणी आती है। इस प्रकार के तत्वों में तीन कोश अपूर्ण रहते हैं, N-2, N-1 और N, और इन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्रमशः N-2 F कक्षकों में भरे जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को F ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनकी दो श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें क्रमशः 4F और 5F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4F ब्लॉक के तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है, और 5F कक्षकों में की जो श्रेणी है उसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एस ब्लॉक व पी ब्लॉक को जोड़ने वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, अर्थात वर्ग सेकेंड यानी सेकेंड ए व थर्ड ए के जोड़ने वाले तत्व को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन संक्रमण तत्वों के भीतर ही छठे आवर्त में वर्ग तीन व चार के मध्य 14 तत्व 4F ब्लॉक के आते हैं, और इस प्रकार सातवें वर्ग में आवर्त में तीन व चार के मध्य 14 तत्व 5F ब्लॉक के आते हैं, अर्थात संक्रमण तत्वों के भीतर दो वर्गों तीन व चार को जोड़ने वाले तत्वों की दो श्रेणियां हैं, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इन तत्वों का एक और नाम है जिन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी प्राप्ति बहुत कम है, इसलिए इनका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट भी पड़ा। आजकल के तत्वों को लेंथेनाइड के स्थान पर लेंथेनोन भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इनके साथ में 5D1 तथा 6S2 विन्यास भी होता है। चूँकि 5D व 4F कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, तो कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर 5D इलेक्ट्रॉन का 4F व 5D कक्षकों के मध्य संक्रमण होता रहता है। लेंथेनम तत्व यद्यपि लेंथेनाइड की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए लेंथेनम का भी अध्ययन इस श्रेणी के साथ कर लेते हैं। लेंथेनम व लेंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार हैं। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f0, 5s2, 5p6, 5d1, 6s2 लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसलिए लेंथेनम को हम शॉर्ट में लिखेंगे जीनोन 4f0, 5d1, 6s2। लेंथेनम के बाद सीरियम 58 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जीनोन 4F1 5D1 6S2। उसके बाद में प्रोसियोडाइमियम 4F3 5D का एक इलेक्ट्रॉन वापस 4F में चला गया और 6S2। नियोडाइमियम 4F4 5D0 6S2। प्रोमीथियम जीनोन 4F5, समेरियम 4F6, यूरोपियम 4F7,
गैडोलिनियम 4F7, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आने वाला इलेक्ट्रॉन 5D1 में चला जाएगा, 6S2। टर्बियम में 4F9, 5F0, 6S2। डाइप्रोसियम 4F10, होलमियम 4F11, इरबियम 4F12, थूलियम 4F13, इटरबियम 4F14, ल्यूटिशियम 4F14, 5D1, 6S2। इस तरह इसका इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि यहाँ पे लेंथेनम में 5D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सीरियम में भी एक इलेक्ट्रॉन 5D में होता है, उसके बाद में 5D का इलेक्ट्रॉन प्रोसियोडाइमियम तक आते आते 4F3 में चला जाता है, और उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर उसके बाद में गैडोलिनियम पे जब हम आते हैं तो 4F7, 5D1, 6S2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका कारण है कि 4F7 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आने वाला इलेक्ट्रॉन 5D1 में चला जाता है। और उसके बाद ल्यूटेशियम में हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 5D1 में चला जाता है, वो भी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एफ ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो F4F14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इस कारण से 5D में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे।